हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हॉल। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे डाटा हैंडलिंग के अंदर, जहां हम मीन, मीडियन, मॉड, रेंज सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है, उसके 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 50। मार्क्स इज आउट ऑफ 50। हिंदी में 35, इंग्लिश में 40, मैथ्स में 45, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 40, जियोग्राफी में 30। तो ये जो हमारे पास 35, 40, 45, 20, 40 और 30 जो है, ये सारे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आइए सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं या एवरेज भी बोलते हैं। मीन और अर्थमेटिक मीन और एवरेज। तो मैंने आपको बताया था मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, इनका सम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 30। हमारे पास ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। पहले हम सम कर लेते हैं। 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 30। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21। सो वी कैन राइट इट एज 215 अपॉन 6। ये फ्रैक्शन में, अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 6, 215, 6 3s are 18, 21 minus 18, 3, 5, 6 5s are 30, 35 minus 30, 5.0, 6 8s are 48, 50 minus 48, 2, फिर हम यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 6 3s are 18, 2, ये ऐसे होता जाएगा। तो हम डेसिमल के बाद 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, मीन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 35.83। तो देखा हमने क्या किया, सिंपल किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉड। 35.83। अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉड। मॉड मैंने क्या बताया था आपको, मॉड मैंने बताया था द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो हमारे पास डाटा गिवन है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आएगी, वही हमारा उस डाटा के लिए मॉड होगा। तो आप यहाँ डाटा के ऑब्जर्वेशंस को देखो, जो 35 है ये वन टाइम है, 40 टू टाइम्स आ रहा है, 45 वन टाइम, 25 वन टाइम, 30 वन टाइम। तो हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन के अंदर 40 जो है वो टू टाइम्स आ रहा है। तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 के कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, मॉड हमारा यहाँ 40 हो जाएगा। 40 इज द मॉड फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। मीडियन में आपको पता है, मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। इन ऑब्जर्वेशंस को आप देखो, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 25। असेंडिंग ऑर्डर में जब मैंने अरेंज किया, छोटी वैल्यू 25, इसके बाद 30, इसके बाद 35, 35 के बाद 40 हमारे पास टू टाइम्स आ रहा है, 40, 40, एंड अगेन एट लास्ट 45।
तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और आप यहाँ देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मीडियन के केस में मैंने बताया था जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तब क्या करते हैं। मीडियन में बेसिकली हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं, पर यहाँ मिडिल वैल्यू तो हमारी आ नहीं सकती। और मीडियन के केस में मैंने एक चीज और बताया था कि मीडियन वैल्यू 2 नहीं होगी। अब आप देखो, अगर मैंने 25 और 30 को इधर सेपरेट करा, 40 और 45 को करा, तो हमारे पास जो बीच में जो दो वैल्यू आ रही है वो 35 और 40 दो वैल्यू आ रही है, और मीडियन की दो वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ऑफ 35 एंड 40। ये जो एवरेज होगा 35 और 40 का, ये हमारे मीडियन की वैल्यू होगी। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 35 प्लस 40, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 2। जब सम करेंगे 35 प्लस 40 75 अपॉन 2। अगर आपको डेसिमल में चाहिए 75 अपॉन 2, तो आप डिवाइड कर लो 2 75 2 3 6 7 6 1 5 2 7 14 15 14 1.0 2 5 10। तो क्या वैल्यू आ गई, हमारे मीडियन की वैल्यू आ गई 37.5। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी मीडियन की वैल्यू होती है, बाकी ऑब्जर्वेशंस में जो भी वैल्यू है वो मीडियन की आधी वैल्यू मीडियन की वैल्यू से छोटी होगी और आधी वैल्यू मीडियन की वैल्यू से बड़ी होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 45। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी वैल्यू, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 25। जब हम 45 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 5 0 4 माइनस 2 2। तो हमारे रेंज की वैल्यू क्या आ गई, 20। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये था क्वेश्चन। इसके अंदर हमने मीन भी कैलकुलेट किया, मॉड भी कैलकुलेट किया, मीडियन भी कैलकुलेट किया और रेंज भी कैलकुलेट किया। ये सारे तो आप आसानी से कर ही सकते हो, बाकी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान मीडियन के केस में रखना है, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो हमारे पास जो मिडिल टर्म होता है वो दो मिडिल टर्म होता है, जिसका हम मीन या एवरेज निकालते हैं, और वो ही हमारी मीडियन की वैल्यू होती है। और बाकी अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसमें एक टर्म होंगे, जैसे कि मान लो आप 5 टर्म्स गिवन है, यहाँ अगर 45 गिवन नहीं होता तो इसकी मीडियन वैल्यू हो जाती 35। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप मीन, मॉड, मीडियन और रेंज के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन बार ग्राफ। थैंक यू।